शहर के नागरिकों को पानी की समस्या ना हो, इसे लेकर दुर्ग महापौर व निगम आयुक्त ने जल कार्य विभाग के अधिकारी व अमृत मिशन के ठेकेदारों की बैठक ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नगर निगम के डाटा सेंटर के सभागार में महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त प्रकाश सर्वे एवं जल कार्य प्रभारी संजय कोहले ने जल कार्य विभाग एवं अमृत मिशन योजना के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों की औचक बैठक ली, जिसमें शहर क्षेत्र के वार्डों में जल प्रभावित समस्या को गंभीरता से लेते हुए महापौर आर आयुक्त ने अधिकारियों को इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा, अमृत मिशन योजना के तहत निगम क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न स्थानों के नवनिर्मित पानी टंकियों को पहले भरा जाए, साथ ही वार्ड 20 आदित्य नगर क्षेत्र में बिछाई गई पुरानी लाइन से 100 नल कनेक्शन को नई पाइपलाइन में शिफ्टिंग का कार्य हेतु जल नष्ट निवारण मद अंतर्गत 10 लाख का प्रस्ताव बनाने निर्देश दिए। निगम द्वारा तिथि निर्धारित कर क्षेत्र में शटडाउन लेकर अमृत मिशन के तहत 12 नग नए वाल्व टंकियों में लगाने हेतु आदेशित भी किया गया। वहीं पद्मनापुर में निर्मित नई पानी टंकी को जोड़ने का कार्य और अन्य दो स्थानों पर पद्मनापुर में जोड़ने का कार्य शीघ्र करवाने के लिए निर्देशित किया। वहीं दीपक नगर क्षेत्र के विभिन्न गलियों में व्याप्त पेयजल समस्या के निराकरण हेतु PDMC हेड के साथ निरीक्षण कर समस्याओं का निराकरण किया जाए। महापौर धीरज बाकलीवाल व आयुक्त प्रकाश सर्वे ने नाला डायवर्सन के कॉफर डैम की मिट्टी को हटाने हेतु संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई तत्काल किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महापौर व आयुक्त ने कहा कि 11 MLD फिल्टर प्लांट में लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइन के संबंध में परिवर्तन करने हेतु CSEB को जल्द पत्र लिखने कहा गया है। बैठक में महापौर धीरज बाकलीवाल ने अमृत मिशन के शेष कार्यों में तेजी लाकर कार्य पूर्ण करने निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।